अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, की हाल चाल है जनाब? सेहत भी है, ठीक है। मैं अमेर फयाज, तो तुम वेख रहे जी अपना यूट्यूब चैनल मुंडा सेलमैन। अज जनाब तुहाडे वास्ते एक वीडियो लैके आए हाँ, तो ईद की वजह तो काफ़ी मसरूफ सी वजह करके कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकिया। काफ़ी दोस्तों के जनाब मैसेज आ रहे सन कि तुम नवी वीडियो तुहाडी कदों आ रही है, तो उन्हें वास्ते माजरत जनाब। ईद तो हर बंदा ही मसरूफ सी, खास तौर पर जिहड़े आ सेलमैन भरा ने ये तो ज़्यादा ही मसरूफ सन। इन्हों का तो दिन रात 24 घंटे एक ही होया सी कि जनाब जिन्हें भी आइटम अपनी प्रोडक्ट नू सेल कर सकन मार्केट दे विच जा रहे सन। तो ईद ईद 3-4 दिन जनाब कोई टाइम नहीं मिलिया। तो कुछ दोस्त जनाब पुछते सन कि जनाब सानू सपारी के बारे इनफॉरमेशन दो। तो अज जनाब मैं सपारी ते वीडियो बना रहा, और इन दे विच जनाब गल ये कि पाकिस्तान दे विच बहुत जड़ी अपनी सपारियां बंबे सपारी है, जिस तरह मुख्तलिफ नावों तो मुख्तलिफ ब्रांड की सपारी चल रही है, छालिया जिन्हों कहते हैं, तो उन्होंने मुख्तलिफ रेट ने। तो अज जनाब जिहड़ी सपारी नूं मैं जनाब सेल आउट कर रहा उहदी मैं इनफॉर्मेशन दिआंगा, क्योंकि हर चीज़ का एक बंदे नूं नहीं पता हुंदा, और जिस चीज़ का इलम ना होवे उस चीज़ के बारे कोई गलबात नहीं करनी चाहिए। और जिन्ना को पता है मैं जनाब तुहाडे नाल जिनी को मैनू इनफॉर्मेशन है मैं तुहाडे नाल शेयर जरूर करांगा अज। और इहदा मार्जिन जिन्ना अच्छा है सपारी का, जिहड़े दोस्त सेलमैन जिहड़े ने उह इह काम करदे ने अपनी सेल दे नाल इस आइटम नूं शामिल जिन्ना कीता होया या पिछले कुछ अरसे तो या जदों दा उन्होंने अपना ये पैशन स्टार्ट किया उदों दे काम करदे ने और वह बेहतर जानते ने। इहदे च बहुत ज़्यादा मार्जन हुंदा, ते वह इस चीज़ नूं नहीं छड्डदे, होर जिहड़ी मर्जी प्रोडक्ट ब्रांड लैके या कंपनी की या किसी कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो उहदे कोल कोई एजेंसी है या कोई किसी किस्म की किसी कंपनी की भी आइटम है, तो ओ इस सपारी नूं एक तां इहदा मतलब ये दर्जन दे हिसाब ते इह सेल हुंदी है, दर्जन दे हिसाब ते खरीददे आ ते दुकानां ते अगे ओ एक बॉक्स 2, 5, 6 या दर्जन जिस तरह भी जिन्नी किसी दुकानदार नूं जरूरत हुंदी है वह खरीद लैंदे ने। ते ओ उहदे बारे जनाब मैं जिहड़ी अपनी सेल दे विच जिहड़ी शामिल कीतियां होईयां ने सपारियां उहनां दे बारे मैं जनाब आगाह करांगा कि इह जनाब मेरे कोल सपारियां ने। ऐ जनाब रसीली सपारी, तुसी दोस्त जानते हो गए, आगाह हो गए इस चीज़ तो। ते मैं जनाब अज इन्हां दा मुख्तलिफ रेट तुहानू तुहाडे नाल डिस्कस करांगा जिहड़ा जिस रेट ते मैनू मिल रही ने। बाकी हर जगह ते हुण जिहड़ा कोई छोटा कस्बा टाइप है या शहर टाइप है उहदा रेट या ते वड्डे शहर दा रेट दा डिफरेंट हुंदा। ये दोस्त कुछ विच मैसेज करन लग पैंदे ने जनाब कि ये जनाब साडे कोल हैगी है तुसी किन्नी लैनी है, असी जनाब 10 रुपए सस्ती देने। देखो मेरा किसी नाल कंपीटिशन नहीं या मैं सेल नहीं कर रहा, या तुहानू अगर जरूरत है तो जनाब ये मैं नहीं तुहानू डिलीवर कर सकता कि मैं तो मेरे को तुसी खरीदो, वो चक्कर कोई नहीं। सिर्फ ये कि मैं जनाब तुहानू इनफॉर्मेशन देनी होंगी कि जिहड़े दोस्तों नहीं पता इहदे विच मार्जिन ज़्यादा हुंदा, लिहाजा ये कि एक नेकी का काम है के दोस्त भरा जिहड़े सेलमैन ने ये मेहनत करते हैं जनाब सारा दिन मार्केट के रेंदे ने, ते उन्हां दा मेहनत दा जनाब उन्हां नूं हलाल रोजी मिले, उन्हूं सिला मिले। कुछ आइटमां ऐसियां जिन्हां च अच्छा मार्जन है वह जनाब मैं तुहाडे नाल शेयर करना हुंना। बाकी तो जिहड़ा एक सेलमैन है मार्केट के जा रहा वह ऑलरेडी उहदे कोल कोई ना कोई आइटम है ना, 10, 15, 20 उहदे कोल ऐसी प्रोडक्ट है ना जिहड़ी वह मार्केट च सेल कर रहा, उहनूं साडे मतलब दसी हुई आइटम की जरूरत नहीं। लेकिन ये कि वो जिहड़े दोस्त भरा साडे नाल प्यार करदे ने, साडी वीडियो वेखदे ने, वो इस चीज़ का जिहड़ा ना पुछदे दसदे ने साडे कोलों कि जनाब कोई ऐसी आइटम दसो जिंदी क्वालिटी भी अच्छी होवे ते मार्जिन भी जनाब उहदा अच्छा होवे। साडा किसी नाल कंपीटिशन नहीं, या हो सकदा असी आइटम महंगी खरीदते होईए ते कुछ दोस्तों नूं वो चीज़ सस्ती मिलती होवे, ते वो जरा मेहरबानी कर दिता करो कि जिहड़ी आइटम मैं तुहानूं दसां वो अगर कुछ दोस्त जड़े ने उस तो भी सस्ती खरीद रहे होन किसी जगह तो मेहरबानी करके सानू इनफॉरमेशन दे दिता करो भी सदका जा रही है। तो वो कोई कंपीटिशन नहीं है कि मेरा कि मैं कहां कि जनाब ये इन्ने दी मिलती या ये सस्ती मिलती, या जिहड़ा मैं नंबर देना वो नंबर ते तुहाडा राबता नहीं हुंदा, ते वो एक अलग चीज़ है। काफ़ी दोस्तों का यह गिला सी कि जनाब जिहड़ा तुसी नंबर देंदे जे वो नंबर अटेंड नहीं करते। देखो
ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਈਟਮ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਸੀਲੀ ਸਪਾਰੀ, ਇਹ ਦਰਜਨ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ 1280 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, 1280 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 100 ਤੇ 7-8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਦੀ ਸੇਲ ਹੈਗੀ 240 ਰੁਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ 100 ਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਜਨ 1280 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 240 ਰੁਪਏ ਇਸ ਬੋਕਸ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ 110 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 110 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲ ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਏਰੀਏ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਪਾਰੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਇਹ 46 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੇਟ ਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 150 ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, 180 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਾਰਜਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਜਨ। ਅਤੇ ਰਸੀਲੀ ਸਪਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੀ 2 ਨੰਬਰ ਕਾਪੀ। ਜਾਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਕਾਪੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਕ ਸਪਾਰੀ, ਮੈਕ ਸਵੀਟ ਸਪਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਰੇਟ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1260 ਰੁਪਏ ਦੀ, 1250 ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ 1230-40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਹੈ, ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਸ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ 240 ਸੇਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਖੁਦ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 48 ਪੀਸ ਲਿਖੇ ਨੇ, 240 ਸੇਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਬੋਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਸਪਾਰੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਪੈਪਸੀ ਸਪਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਕਫ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ 240 ਸੇਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇੰਨੇ ਦੀ 1250 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 1240 ਰੁਪਏ ਇਹ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਨਾਬ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਨਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 90 ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ, 50 ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, 60 ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, 70 ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਬੇ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਫਾਰੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਫਾਰੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਰਚੂਨ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਫਾਰੀ, 240 ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ, 210 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮਿਲਦੀ, 200 ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ 210 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ।
दो 10 रुपए 15 रुपए इतने जनाब वो अपना रिटेल सेल सेलमैन करते हैं ओरिजिनल सुपारी दे। जिहड़ी दूसरियां दी कापियां ने इन्हां दे विच मुख्तलिफ वरायटियां ने, कॉपी नंबर 1 ने, 2 ए, कॉपी ए आ, बी ए, सी ए, मतलब है कि ये हजारां किस्म दे, हजार बंदा समझ लो इंज कर लो कि पाकिस्तान दे विच पता ही नहीं अनगिनत बंदे जिहड़े ये कॉपी तैयार करते हैं, तो अच्छी भी तैयार करते हैं, बहुत लो भी होंगी, कचरा जहा भी होंगे, अच्छी सुपारी भी होंगी है, उनका वो हिसाब से रेट हों। हूँ इस मेरा ख्याल है, मैं जो अपना जाती मेरा ख्याल है वो ये कि इनू किरों मंगवाया नहीं जा सकता कि किसी बंदे को पार्टी ना राबता करके, तो स्पैशल सुपारी जी कॉपी बन रही ये तुसी अपने शहर च राबता करोगे तो तुहानू 10-50 बंदे मिल जाएंगे जनाब कॉपी तैयार करने वाले, अच्छी क्वालिटी की कॉपी भी मिलेगी, लो भी मिलेगी, मतलब हर ब्रांड हर किस्म का जनाब ये वरायटी बॉम्बे सुपारी च मिलेगी। लेकिन जी मेरे हाथ से सुपारी इंदी मैं गल करा तो इंदा भी जनाब सेम रेट है 1200 रुपया, ये 1000 रुपए की भी तुम्हें मिल जाएगी, 900, 1000, 1100 इस रेट से जनाब मिलेगी। ये बॉक्स जनाब अगे दोस्त जनाब 1600-1700 का मेरा ख्याल है सेल करते हैं, 1800 का सेल कर लेंगे ने, या जड़ी जगह ते बिल्कुल ही ओरिजिनल सुपारी नहीं चलती उत्थे। लेकिन मैं वो सारी आल मार्केट का रेट का नहीं मैं पता है, लेकिन मैं ये पता है कि इनदिया कापियां बहुत ज़्यादा ने, हज़ारा की तादाद इनदिया कापियां ने, कोई चैकअप नहीं इन्हों का किया जा सकता कि केड़ी क्वालिटी, ये तो वो जनाब खाए पता चलता है कि यह सुपारी अच्छी है या बुरी है। बाकी जी बॉम्बे सुपारी है ओरिजिनल है वह जनाब मेरा दुकानदार 7 रुपए सेल करता, तो ये जनाब थोड़े के जी मैं चला रहा सा, मैं 4 सुपारियां ने मेरे को जनाब, इन्हों की इनफॉरमेशन तुम दी है। और एक गल लाजमी जेन च रखना कि जोड़ा बंदा टॉफी बिस्किट वगैरह स्नैक्स वगैरह कोई सलंटी पापड़ वगैरह मार्केट च सप्लाई करता है तो इन्हों का इन्ना वजन नहीं है, इन भी कोई एक गत्ता कॉटन नाल रखो, तो 2-3 वरायटियां जी थोड़ी मार्केट के जेडे शहर जी अच्छी सुपारी चलती इन मार्जन बहुत ज्यादा। और ये मोमन नौजवान जड़े ना वो खाते ने लड़के जनाब मुँह च स्मैल खत्म करने वास्ते, या इनका टेस्ट बड़ा अच्छा होंदा, तो ये जनाब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आइटम है, तो सेलमैन इनू नाल आपकी सेल दे ऐड करन, अच्छा मार्जन है, तो भरा नूं तुसीं दुआवां दिओगे, तो अगर किसी नूं इस तो सस्ती मिलती हो तो मेहरबानी करया करो दस दया करो जनाब इन्ने दी मिलती है सानू तो असीं राबता नंबर तुहानूं दे सकने आ, तो एडा कोई चैलेंज नहीं, कोई कंपीटिशन नहीं, तो वो थोड़ा सगरों आसान होगा साढ़े ते कि सानू तुसी वो दस्या इनफॉरमेशन दिती ताकि मैं जनाब दोस्तों नाल मैं शेयर कर दें कि वो भी जनाब सस्ती इस पारी ईजीली मंगवा सकन। मेहरबानी जनाब, मेहर फयाज़ नूं इजाजत दियो, अल्लाह निगेबान।